जय माता दी। दोस्तों, घरेलू खबर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी सबका कल्याण करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2024 में लगने वाले पहले चंद्र ग्रहण के बारे में, जो कि 25 मार्च 2024 को लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण लगने का सही समय क्या होगा, चंद्र ग्रहण कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, इसका सूतक काल कब से लग जाएगा, यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, क्या यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई देगा, इसके साथ ही हम बताएंगे सावधानियां के बारे में भी कि इस चंद्र ग्रहण को लेकर क्या सावधानियां बरतनी होंगी, खासकर गर्भवती महिलाओं को। संपूर्ण जानकारी इस चंद्र ग्रहण से जुड़ी देंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं और अगर अभी तक आपने घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल बटन को प्रेस कर लेंगे। इससे यह होगा कि आने वाले इसी तरह के सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, चंद्र ग्रहण एक ऐसी घटना है जिसका विज्ञान से लेकर धर्म और ज्योतिष तक में बहुत ज्यादा महत्व है। ग्रहण के दौरान हमारे आसपास की हर चीज प्रभावित होती है। सूतक की वजह से इस दौरान कोई भी धार्मिक या फिर शुभ कार्य नहीं किया जाता, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि चंद्र ग्रहण के समय कौन से काम करने चाहिए और किन कार्यों को करने से बचना चाहिए। सबसे पहले ग्रहण लगता है तो नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है। ऐसे में इस दौरान न तो भोजन पकाना चाहिए और न ही भोजन करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। साथ ही चंद्र ग्रहण के दौरान गर्भवती महिला को नुकीली या धारदार चीजों के प्रयोग से भी बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के दौरान सोने की मनाही होती है, ऐसा करना अशुभ माना गया है। इस दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। सूतक लगने से पहले कहा जाता है कि तुलसी की पत्तियां तोड़कर रख लेनी चाहिए। ग्रहण के दौरान न तो पूजा पाठ करना चाहिए और न ही मंदिर का पट खुला रखना चाहिए। ग्रहण के दौरान गायत्री मंत्र, इष्ट देव के मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके अलावा आपको बता दें कि ग्रहण शुरू होने से पहले खाने पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता डाल देना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण की नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव खाने पीने वाली चीजों में नहीं पड़ता है। ग्रहण समाप्त होने पर पूरे घर में गंगाजल से छिड़काव करना चाहिए। तुलसी के पेड़ से लेकर मंदिर तक अपने पूरे घर को गंगाजल से शुद्ध करना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साथ ही जरूरतमंद लोगों को धन और अनाज का दान करना चाहिए। चलिए जानते हैं साल 2024 के लगने वाले पहले चंद्र ग्रहण, जो कि 25 मार्च को लगने जा रहा है, उसका सही समय क्या होगा एवं सूतक कब से लगेगा। आपको बता दें कि 25 मार्च की सुबह 10:04 पे चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो जाएगा, जो कि दोपहर 3:01 तक रहेगा। बात करें इसके सूतक काल की, तो चंद्र ग्रहण का सूतक काल चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले लग जाता है, यानी कि सूतक काल जो है 24 मार्च को मध्य रात्रि उपरांत 1 लग जाएगा। यह चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा, तो यह चंद्र ग्रहण अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, जापान, रूस, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिका के हिस्सों में देखा जा सकेगा। इसके अलावा आयरलैंड, इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड, बेल्जियम, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, इटली इत्यादि जगहों में भी दिखाई देगा। यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। आपको बता दें कि भारत में दिखाई नहीं देने के कारण भारत में इस चंद्र ग्रहण का नियम और सूतक का नियम मान्य नहीं होगा, लेकिन जिन जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहां के लोगों को नियमों का पालन करना होगा। वहां के लोग अगर नियमों का पालन करें तो भी ठीक है और नियमों का ना पालन करें तो भी ठीक है, क्योंकि यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण। उपछाया चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होता, इसलिए मंदिर के कपाट नहीं बंद होंगे। पूजा पाठ सारे धार्मिक कार्य एज यूजुअल चलते रहेंगे। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण में कोई भी सावधानी बरतने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे ग्रहण की संज्ञा नहीं दी गई है। बात करें गर्भवती महिला के सावधानी की, तो वैसे तो ग्रहण के समय गर्भवती महिलाओं को बहुत सारा सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे नुकीली चीजों के इस्तेमाल से बचना चाहिए, घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ खाना पीना नहीं चाहिए, ग्रहण के बाद स्नान करना चाहिए, मंत्रों का जाप करना चाहिए,
लेटना नहीं होता है, हाथ पैर सीधे करके बैठना होता है। बहुत सारे नियम होते हैं, जैसे पेट पर गेरू लगाना, पेट पर गेरू लपेटना, शरीर के नाप का धागा घर में टांग लेना, अपने साथ एक पानी वाला नारियल रखना, लेकिन इस ग्रहण के दौरान ऐसा कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हर तरह के ग्रहण को मानती हैं, तो ग्रहण काल में शिव चालीसा का पाठ करें, ग्रहण समाप्ति पर नहाकर घर की शुद्धिकरण करें। ग्रहण समाप्ति पर स्नान करने के बाद दान अवश्य करना चाहिए। अगर आप दान कर देते हैं तो आपके मन में कोई भी किसी भी तरह का शंका नहीं रहेगा, आप ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच जाएंगे। इसके अलावा ग्रहण के बुरे प्रभाव से बचने के लिए किसी चांदी की कटोरी में घी भरकर अपना मुंह देकर छाया दान करना चाहिए। इस उपाय को भी करने से आप चंद्र ग्रहण के बुरे प्रभाव से बच सकते हैं। आपको दान क्या करना है, चंद्र ग्रहण लगा हो तो सफ़ेद चीज़ों का दान करना है, दूध, दही, चावल, आटा, चीनी, सफ़ेद कपड़ा तथा चांदी का दान आप कर सकते हैं। इससे आपको कई गुना फल की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।